जय हिंद दोस्तों। आज आपका एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो जा रहे हैं एमपी पुलिस के फिजिकल्स में, तो इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही हवा की। तो हवा एज पर मैं एथलेटिक्स कोच रिवा, उसके लिए एक हवा के अंदर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल जो करें, जब तेज हवा चलती है, मानसून आ चुका है, और सागर में और भोपाल में के जो बच्चे अपने जा रहे हैं फिजिकल करने के लिए, तो उनको अभी तेज हवा की वजह से एक बच्चा हमारा फेल हो गया है, तो एक सेकंड से फेल हुआ है, तो उससे बड़ा ही अपने के, चूँकि वो बच्चे ने बहुत मेहनत किया था, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि हवा अगर बहुत तेज चल रही है सामने से, तो हवा के अकॉर्डिंग आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना है कि हवा का इफेक्ट बॉडी में शून्य हो जाए। तो उसके लिए अगर देखिए कि कोई भी चीज़ है, जब आप डायरेक्ट आपके बॉडी में हवा लगती है चेस्ट में, तो आपको पीछे करती है। अगर इसी को हम हल्का सा हल्का तिरछा कर दें, इसमें रनिंग का पोजीशन इस प्रकार से है कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं ऐसे अगर रनिंग करेंगे, तो क्या है कि हवा डायरेक्ट चेस्ट पे प्रभाव पड़ेगी। अगर अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कि इधर से हमारी तेज हवा चल रही है, तेज हवा जब चल रही है तो एक हाथ छोटा और एक हाथ हम करेंगे उसमें से बड़ा, और जिधर हवा चल रही है उसके अपोजिट साइड में, अगर उत्तर से चल रही है, नॉर्थ से चल रही है या दक्षिण से चल रही है हवा, तो जैसे इस सामने से बता रहा हूँ कि सामने से हमारी हवा आ रही है, तो गर्दन को ऐसे करें और एक हाथ को छोटा एक हाथ को बड़ा करें। तो इसमें आपको स्टेपिंग करके दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसे करके, और ऐसे करके लंबे स्टेप से हम कर लें, तो हमारा जो दबाव है, प्रेशर, एयर का प्रेशर है जो हमारा बॉडी का, तो एयर का प्रेशर हमारा बॉडी का क्या है, डायरेक्ट बाहर जाएगा। तो 100 मीटर में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, दोबारा जो 200 मीटर में है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर तेज़ हवा में भी आप लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो आपको एमपी पुलिस का फिजिकल आप फेल नहीं हो सकते हो। अगर डायरेक्ट आप देसी तरीके से भागोगे, तो अगर आपकी टाइम 2:50 के आसपास आ रही है, 2:35 के ऊपर जो जिनकी प्रैक्टिस में टाइम आ रही है, वो भी बच्चे फेल हो रहे हैं। इसलिए करता हूं कि अपने जितना ज़्यादा आप भाव उसमें सरल भाव में रहोगे, जितना कूल माइंड में रहोगे और जितनी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, उतना जल्दी आप क्या है कि एमपी पुलिस का फिजिकल वहाँ पास हो जाओगे। और घबराओ मत, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, अगर यहाँ आप ट्रेनिंग किए हो तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो उसके लिए, और जिसी की वजह से आज ये सारे बच्चे टेक्निक का इस्तेमाल किए, तो आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से 28 बच्चों ने सिलेक्शन लिया, उसके लिए बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्चों ने एक्साइटेड होकर के अपना ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करके वहाँ इजी भाव में जा करके मतलब अपना फिजिकल दिया और अपना बेस्ट किया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।